कीरतपुर नेरचौक फोर लेन कंपनी में लगी गाबर कंपनी द्वारा की जा रही ब्लास्टिंग से थापना गांव में एक व्यक्ति की पशुशाला को काफी नुकसान हुआ है। पशुशाला में दरारें तो आई ही हैं, लेकिन ब्लास्टिंग से दीवारों के पत्थर भी गिर चुके हैं। उक्त व्यक्ति के रिहायशी मकान को भी पहले ही काफी नुकसान हो चुका है, लेकिन इस तरफ ना तो कोई कंपनी परवाह कर रही है और ना ही स्थानीय प्रशासन। पीड़ितों के अनुसार अगर कंपनी वालों को हल्की ब्लास्टिंग करने के लिए कहा तो उल्टा धमकियां देकर डराया जा रहा है। जब तक मीटर के तरफ से की ब्लास्टिंग है तो सही की, जो मीटर के बिना होगी तो उसकी वजह से हमारे मकान में दरारें आ गई और दीवार गिर चुकी है। और जब मैंने कंपनी वालों से बात की है तो उन्होंने बताया कि ये ऐसा ही होगा, बोलता काम तो ऐसे चलते रहेंगे, बोलता है पहले के टूटे थे पत्थर। जब फिर मैंने पत्रकारों को बुलाया और मौके पर दिखाया और जो भी है हमारे नुकसान की भरपाई करे कंपनी, आइंदा वास्ते कोई भी सुरंग करे तो हमारे को बिना वाइब्रेशन के मशीन के बिना हम सुरंग को अपनाएंगे नहीं। कोई भी नुकसान होगा तो कंपनी वाले खुद, जब मैंने नीरज जी से बात की तो उसने मेरे को बेतमीजी में पेश आया और उसने कहा कि ऐसा होगा, बोलता काम तो चलते रहेंगे, बोलता इससे नहीं हुआ है, अब ऐसे ही हो गया, बोलता पहले से पत्थर टूटे थे जब ये हुई और वाइब्रेशन होने के बाद दीवारों ने दीवारें छोड़ दी और नीचे गिर चुकी है। पहले भी जनाब शासन से गुहार है कि कृपया इन गरीब आदमी की इनकी जो ये पशुशाला को नुकसान हुआ है इसकी भरपाई करवाई जाए और कंपनी ने जो भी लोगों से वादा किया है कि हम आपके मकानों को ठीक करके देंगे, ठीक करने के बजाय यह अगर लोग इनको बोलते हैं कि भैया आप ज़्यादा ब्लास्ट कर रहे हैं तो ये लोगों को धमकाते हैं, तो मेरी प्रशासन से और सरकार से यही गुहार है कि कृपया तुरंत इस मामले में संज्ञान लें और इनको इसका उचित मुआवजा दिलाया जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना हो और कंपनी को सख्त निर्देश दिए जाएं कि यह बिना जो है कि वाइब्रेशन मीटर के ब्लास्टिंग कर रहे हैं। पहले कुछ दिन इन्होंने वाइब्रेशन मीटर लगाए और बिल्कुल नॉर्मल ब्लास्ट किया जिससे लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन दो या तीन ब्लास्ट करने के बाद इन्होंने ब्लास्टिंग करने वाले को अपने मीटर लगाने वाले को यहाँ से भेज दिया और अपने मनमानी से ब्लास्ट कर रहे हैं, जिससे कि मैं भी यहाँ मौके पर आया था, मैंने भी देखा कि दीवार के। एनस्टार न्यूज़ के लिए स्वारघाट से राजेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। मेरी एसडीएम महोदय डीसी बिलासपुर इनसे यही निवेदन है कि कंपनी को तुरंत निर्देश दिए जाएं कि इनका जो भी नुकसान हुआ है